हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डियर फ्रेंड्स में। हम यहाँ पर SSC-JE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और अभी हमारा चल रहा था 22 जनवरी 2018 का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है वो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। टोटल 4 पार्ट्स इसके कवर कर लिए हैं हमने और जिसमें हमने टोटल 24 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन एंड पर मैं इनका पार्ट 1 प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस करें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कराएं। और अगर आप पहली बार विजिट करें डियर फ्रेंड्स पर, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो एग्जाम्स में हुए हैं आपके 2007 से लेकर 2015 तक। तो ये सारे क्वेश्चन हम इन टॉपिक्स पे कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी ये वाली वीडियो तो इस पार्ट 1 पे जो सॉरी स्क्रीन एंड पे वहाँ पे इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। वहाँ पे आपकी सारी वीडियोज़ नहीं मिल पाती हैं, स्क्रीन एंड पे ओनली 3 वीडियोज़ ही मैं वहाँ पर डाल पाती हूँ। तो इस साइड में आपको यहाँ पे आई कार्ड शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी जो भी हमने इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन डिस्कस करें वो सारे आपको वहाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगी। और साथ में जो हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे RRB NTPC के प्रीवियस ईयर के जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे, जो हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 20 पार्ट्स में, जिसके 6 पार्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, यानी कि 300 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं। तो वो भी मैं यहाँ पे आई कार्ड में आपको उन वीडियोज़ को प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। बहुतों को फिर भी वीडियोस नहीं मिलती है तो स्क्रीन एंड पे यहाँ साइड में यहाँ पे आपको डियर फ्रेंड्स का लोगो दिखेगा, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप चैनल पे चल जाएंगे। वहाँ से आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो कमेंट आते हैं बहुत सके कि वीडियोज़ नहीं मिल पाती उनको, तो डियर फ्रेंड्स के जो चैनल है यहाँ पे स्क्रीन एंड पे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सारी मैंने प्रोवाइड करा रखी है। और आई कार्ड पे आपको और भी एक्स्ट्रा वीडियोज़ मिल जाएगी जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्टेज इन ए कॉइल इफ द करंट चेंजेस फ्रॉम +2 एम्पियर टू -2 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड एंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये आपको गिवन है 0.5। तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है, करंट चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू गिवन है, कितने टाइम पे चेंज हो रहा है ये चीज़ भी आपको गिवन है, और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो वोल्टेज में आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ई इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, ई इक्वल्स टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो अगर हम डी फाई ज्ञान की फाई की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, फाई हो जाएगा हमारा एम इंटू आई। एम क्या है यहाँ पे, एम है म्यूचुअल कोफिशियंट, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशियंट है वो है हमारा एम, और आई क्या है यहाँ पे करंट है जो चेंज हो रहा है करंट, क्योंकि डी आई बाई डी टी यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा करंट चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा जो M है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो कि कोफिशियंट होता है, तो मैं इसको बाहर लिख सकती हूँ, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ उसको माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। अब यहाँ पे जो डी आई है हमारा चेंज, जो करंट में चेंजेस आ रहा है उसकी वैल्यू है, जो हमारे पास गिवन है +2 से -2 एम्पियर। और डी टी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है कि 0.5 सेकेंड में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें ओनली वैल्यूज पुट करनी है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन हमारे जो इक्वेशन है वो इस अकॉर्डिंग हो जाएगी, ई इक्वल्स टू माइनस एम की वैल्यू कितनी है, म्यूचुअल कोफिशिएंट हमें गिवन है 0.5, ये मैंने यहाँ पे रख दी, और जो चेंजेस हो रहा है करंट में ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4 का चेंजेस हो रहा है, क्योंकि माइनस जो -2 एम्पियर से +2 एम्पियर में कितने का चेंजेस हो रहा है, 4 का चेंजेस हो रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, -2 -2 कितने का हो रहा है, 4 का चेंजेस हो रहा है आपके टोटल देखेंगे तो, डिवाइड करेंगे आप कितने टाइम पे हो रहा है, तो 0.5 पे हो रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये पूरा मैग्नीट्यूड में आएगा। यहाँ पे बोला गया है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आपका यहाँ पे राइट है, तो ये ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा, 4 आपको दिख रहा है तो ये राइट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती तो उसका आंसर डिफरेंट होता है, कौन सी वैल्यूज, या ये जो टाइम आपका 0.5 सेकंड दे रखा है और जो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, इनकी वैल्यू सेम है इसलिए डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गए। तो ये बिल्कुल ध्यान मत रखना कि जो करंट में चेंजेस हो रहा है वही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में मत रखना है, कैंसिल आउट हो गए इसलिए आपका ये आंसर है, वरना अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज होती तो उसका आंसर डिफरेंट आता, ये चीज़ क्लियर रखिएगा माइंड में। ऑप्शन बी आपके यहाँ पे राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है. इसमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस इन मिली हेनरी ऑफ ए 4 मीटर लॉन्ग एयर क्रॉस सोलेनोइड इफ द सोलेनोइड हैज़ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.02 स्क्वायर मीटर एंड हैज़ ए 60 टर्न्स. तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस हमें सोलेनोइड का कैलकुलेट करना है कि क्या होगा. सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. किसकी बात करें, हम सोलेनोइड की बात करें. याद रखिएगा सोलेनोइड के केस में सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है एल इक्व टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल. यहाँ पे आपके एन क्या हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ए क्या हो गया आपका यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, एल यहाँ पे आपकी लेंथ हो गई. इसका फॉर्मूला हमें पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन बनता ही है आपके, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो एल इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे जो म्यू है उसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ इंटू, यहाँ पे हमारे पास किसकी बात की जा रही है, एन. नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है, 60 टर्न्स गिवन है, तो मैंने यहाँ पे 60 लिख दिया. एन स्क्वायर था तो 60 का स्क्वायर करा है. इसमें जो ये फॉर्मूला है इसका, अभी तो मैं बता दूंगी इसके बारे में. तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था वो था एल इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल. तो यहाँ पे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कितना है, ये हमें गिवन है 0.02 स्क्वायर मीटर. तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0.02 स्क्वायर मीटर, डिवाइड में हमारा एल लेंथ कितनी है 4 मीटर. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया. एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसमें यहाँ पे मीटर में गिवन है इसलिए हमने इसमें किसी को चेंज नहीं करा है. अगर यहाँ पे मीटर के अलावा किसी में जैसे स्क्वायर मीटर यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे एरिया इसका स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन होता तो उस टाइम पे आपको उसको मीटर में चेंजेस करना होता, या फिर यहाँ पे सेंटीमीटर में होता तो उसको मीटर में चेंजेस करते. किसी भी एक टर्म में चेंज करना होता है आपको, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना होता है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन है और यहाँ पे मीटर में गिवन है और आप वैल्यूज एज इट इज़ रख रहे हैं, तो चेंज करने का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. इस तरह के चेंजेस कर दिए जाते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए. और ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सी बार पूछ लिया जाता है सोलेनोइड में जो चेंजेस होते हैं, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर कैसे डिपेंडेंट है, टर्न जो उसके नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर कैसे डिपेंडेंट है. तो स्क्वायर की टर्म में ये डिपेंडेंट होता है किस पे, जो इसका इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस. तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.0226 मिली हेनरी. मिली हेनरी में ही आपसे यहाँ पे पूछा गया है. हेनरी में अगर आपके पास आंसर आ रहा है तो उसको मिली में कन्वर्ट करिएगा. मिली क्या होता है, 10⁻³ होता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. अगर आपके हेनरी में आ रहा है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड करके आप चेंज कर सकते हैं मिली हेनरी में. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, तो ये फोर्थ नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 0.023. तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है. इस तरह से आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है. इसमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एमटी. यहाँ पे क्या है, ये है मिली टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, वो होती है टेस्ला. एट द सेंटर ऑफ ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनोइड इफ द सोलेनोइड हैज़ 200 टर्न्स एंड कैरिंग ए करंट ऑफ 4 एम्पियर. तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि बी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी. तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू एन आई अपॉन एल. ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. ऊपर जो मैंने आपको बताया था जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था आपका सोलेनोइड की केस में, एल इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल. तो ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे रिलेशन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल दे रखा है, लेकिन थ्योरी पे बेस इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं इनके रिलेशन को लेके, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनके बीच में रिलेशन, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में रिलेशन, इस तरह से बन जाते हैं क्वेश्चन. तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. यहाँ पे हमारे पास म्यू परमेबिलिटी गिवन है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4 एम्पियर, एल जो यहाँ पे है ये सोलेनोइड की हमारे पास लेंथ गिवन है, ये है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनोइड. तो यहाँ पे इस वैसे इसको स्मॉल एल से ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि कैपिटल एल में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि क्योंकि हम जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसको कैपिटल एल से शो करते हैं, तो इसको स्मॉल एल रखिएगा. तो बी इक्वल्स टू म्यू एन आई अपॉन एल, इसमें वैल्यूज पुट करना है आपको, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमारे पास, मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, तो बी इक्वल्स टू आपके पास हो गया, म्यू की वैल्यू होती है 4π × 10⁻, पाई की वैल्यू आप 3.14 भी लिख सकते हैं, या 22/7 करके भी लिख सकते हैं. वैसे 3.14 करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे जो इसकी लेंथ है सोलेनोइड की, तो ये एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है 200 गिवन है,
बात करें हम यहाँ पे इसकी करंट की, तो म्यू एन आई, आई यानी कि करंट हमारे पास 4 एम्पियर हो गया। एल की बात करें तो एल हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अभी मैंने आपको बताया था आपको एक ही टर्म में रखना है यानी कि मीटर में रखना है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10^-2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी। ये आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी 5.02 मिली टेस्ला, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे 10^-7 है ना, तो यहाँ पे 5.02 आपके पास आंसर हो जाएगा मिली टेस्ला। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ये 5, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 5। तो आई होप सो आपको समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन है अभी हमने जिससे पहले डिस्कस करा था और अभी ये क्वेश्चन डिस्कस करें, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना ही होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप कॉन्सेप्ट लगा के इसको कर लेंगे, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए। जो ऊपर के हमने क्वेश्चन डिस्कस करा है उसमें भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। अगर उनके बीच में कोई रिलेशन भी देते हैं तब भी आपको फॉर्मूला पता होगा, तभी आप रिलेशन उसका फाइंड मतलब रिलेशन निकाल पाएंगे उस फिर उससे सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो फॉर्मूले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से लिख लीजिएगा और इनको याद करिएगा। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह शाम उसको पढ़ना पड़ेगा याद करने के लिए, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैं हर एक चीज़ बताऊंगी आपको कैसे कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ में लेंगे वो हर एक चीज़ बताऊंगी और कैसे आपको पता चलेगा कि आप कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला एक्टिंग पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ द डिस्क ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द रिम ऑफ द डिस्क इज 10 वोल्ट, EMF इंड्यूस्ड आपको यहाँ पे गिवन है कितना है 10 वोल्ट, एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क इज 20 revolution per second, तो यहाँ पे रेवोल्यूशन जो एंगुलर स्पीड है वो भी आपको गिवन है कितनी है 20 revolution per second है। तो EMF इंड्यूस्ड इस केस में जब आपके पास डिस्क का डायमीटर या फिर इसकी रेडियस गिवन हो, EMF इंड्यूस्ड आपको गिवन हो, यहाँ पे आपके पास जो EMF इंड्यूस्ड यहाँ पे आपको गिवन है इसी, और यहाँ पे मेन चीज़ है आपके पास स्पीड ऑफ रोटेशन गिवन हो। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो उसकी करंट है और जो उसका वहाँ पर लेंथ है सोलेनोइड की वो चीज़ें हमें हमारे पास गिवन थी, इसलिए हमने वो वाले फॉर्मूलेज यूज़ में लिए थे। यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें वो गिवन है स्पीड ऑफ रोटेशन, तो जहाँ पर भी आपको स्पीड ऑफ रोटेशन दिख और EMF इंड्यूस इस तरह के आपको वैल्यूज गिवन हो तो वहां पे आपको EMF इंड्यूस का फॉर्मूला लगाना है। ये होता है आपके पास EMF इक्वल्स टू BR² ओमेगा, ये है BR² ओमेगा/2, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ में लेना है। ये आपका EMF इंड्यूस्ड है, जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है हमारे यहाँ पास गिवन है 10 वोल्ट। बी यहाँ पे क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आर क्या है यहाँ पे रेडियस है जो हमें यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो हम उससे रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ओमेगा आपके पास एंगुलर स्पीड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 20 revolution per second गिवन है। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें गिवन है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके फॉर्म में मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, तो यहाँ पे हमारा चल जाएगा 2 EMF को मैं ई से डिनोट कर रही हूँ स्मॉल ई से, डिवाइड में यहाँ पे R² ओमेगा, मेरे यहाँ पे ये फॉर्मूला बन चुका है। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो एक बार हम देख लेते हैं वैल्यूज रख के। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी B = B क्या है मैग्नेटिक फील्ड है 2 × E यानी कि जो इंड्यूस EMF है उसकी वैल्यू क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है 10 वोल्ट। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हमारे पास R², तो डायमीटर यहाँ पे हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर, मैंने अभी आपको बताया सेंटीमीटर को किसमें चेंज करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहले तो यहाँ पे डायमीटर है इसको हम किसमें चेंज कर लेते हैं रेडियस में चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको किसमें चेंज करना है मीटर में चेंज करना है, तो 10 × 10^-2 मैं लिख दूँ, ये आपका मीटर में चेंज हो गया। मीटर में चेंज करने के लिए 10^-2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 100 से डिवाइड कर दें, तो 100 को डिवाइड करोगे तब भी इसको 10^-2 ही तो बोलते हैं, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले में था R² यानी कि 10^-2, 10 × 10^-2 का होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ बन जाएगा R², क्योंकि आपके पास रेडियस है, फॉर्मूले में R² था इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है। नेक्स्ट हमारे पास था ओमेगा, ओमेगा यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास एंगुलर स्पीड गिवन है ये कितनी गिवन है 20 गिवन है,
ध्यान में रखिएगा, जो ओमेगा होते हैं ये ओमेगा की वैल्यू, आपके पास एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि ओमेगा है जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखा था आपके पास, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2π(n) होती है, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। या आपके पास एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन यहाँ पे आपके पास गिवन है, तो यानी कि ये जो n है इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, ये आपके पास एंगुलर, मैंने बताया था ये क्या होती है आपके पास ओमेगा की वैल्यू, यहाँ पे n है एंगुलर स्पीड, तो ये आपके पास गिवन है, ना कि यहाँ पे एंगुलर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपके पास गिवन है। तो उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है, तो 2π, पाई की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, या तो 22/7 लिख दीजिए, या फिर 3.14 लिख दीजिए। एन की वैल्यू आपको गिवन है तो ये है आपके पास 20, ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे। इस पूरी इक्वेशन को आप इजीली सोल्व कर लेंगे, आपके पास यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, अच्छे से ध्यान से ध्यान इसको सोल्व करेंगे आपके पास, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करने के पास आपके पास वैल्यू आएगी 15.91, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बार और फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, बी यहाँ पे मैं बी की बात नहीं करती हूँ, EMF इंड्यूस से आप हमेशा ध्यान में रखिए, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है EMF से, ज़्यादा बेटर रहेगा इसलिए बता रही हूँ। BR² ओमेगा/2, ये फॉर्मूला होता है EMF का। यहाँ पे मैंने आपको बताया ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2π(n), तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 2π(n), n क्या है आपके पास यहाँ पे रेवोल्यूशन, जो रोटेशन है वो गिवन है, जो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन है, ये आपके पास n यहाँ पे वैल्यू गिवन है। यहाँ पे ओमेगा की जगह डायरेक्ट इसकी वैल्यू मत रखिएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ओमेगा की वैल्यू होती है 2π(n), यहाँ पे n की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, आपको ओनली वैल्यूज पुट करके मैंने बता दिए किस तरह से आंसर आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, 15.91 हमारा आंसर आ रहा था, तो ये ऑप्शन 3 आपको दिख रहा है, ये हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। आई होप सो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं आप हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अभी जैसे इतने सारे क्वेश्चन के फॉर्मूले याद करेंगे थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है डिटरमाइन द मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 0.8 × 10⁻⁵ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज 0.97 × 10⁵ A तो यहाँ पे आपके पास पूछा जा रहा है मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको, एक तो मैग्नेटाइजेशन गिवन है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है उस पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो रहा है उसको बेसिकली बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताई हुई है। एक्स जो होता है आपका, इसकी वैल्यू होती है I/H, आई यहाँ पे क्या है मैग्नेटाइजेशन को शो कर रहा है, एच यहाँ पे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है, मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसको शो कर रहा है, जिसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है 0.8 × 10⁵। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आई यानी कि मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है आपके पास गिवन है जो 0.97 × 10⁵ डिवाइड में, यहाँ पे बात करें एच की यानी कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास, जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो आपके पास गिवन है 0.8 × 10⁵, दोनों की यूनिट्स हमें तो क्रॉस हो जाएगी, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू इसको सोल्व करने पे आ जाएगी, या ये आपके पास 1.21 आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी की, तो आपका यहाँ पे आंसर ये राइट हो जाएगा 1.21। ऑप्शन अभी हम देख लेंगे, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी आपकी क्या होती है I/H, जहाँ पे आई क्या होता है मैग्नेटाइजेशन होता है, एच क्या होती है जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ होती है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस अभी हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सेकंड आपको दिख रहा है 1.21, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा मैग्नेटिक जो सब्सक्रिप्टिबिलिटी होती है वो होती है I/H, आई यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन होता है, एच यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ होती है, और एक्स तो आपको मैग्नेटिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी हो ही गया, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट हो गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, काफ़ी इजी क्वेश्चन है,
इजी क्वेश्चन है क्योंकि फॉर्मूला काफ़ी इजी है, आपको ये और ज़्यादा रखना नहीं है। कौन सा पे बेस्ट क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्टेज इन ए कोइल ऑफ एरिया ऑफ 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे आपके पास गिवन है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मोस्टली। विथ 200 टर्न्स इफ द कोइल इज रिमूव्ड फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला एक्टिंग एट राइट एंगल टू द कोइल इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपका मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ईएमएफ क्या होता है आपका, होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो मैग्नीट्यूड बोले तो मैं डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड ही लिख देती हूँ, यानी कि एन डी फाइव बाई डी टी लिख देती हूँ। ये चीज़ क्लियर है? अब मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि जो आपका बी होता है उसकी वैल्यू होती है फाई अपॉन ए, यानी कि जिसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, फाई अपॉन ए भी होता है। तो यहाँ फ्लक्स हो गया और ये ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, तो मैं यहाँ से फाई की वैल्यू लिखूंगी तो ये आ जाएगी आपके पास बी इंटू ए। ये चीज़ आपके पास यहाँ पे क्लियर है? तो मैं यहाँ पे जो फाई वैल्यू फाई लिखा हुआ है फ्लक्स, इसकी जगह मैं बी डॉट ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन बन जाएगी एन डी बी डॉट ए अपॉन डी टी। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब एक इस चीज़ को देखिएगा और थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो ए है एरिया, ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है। जो वैल्यू गिवन है यानी कि वो वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट वैल्यू हो गई, उसमें चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वो चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं इस एरिया यानी कि ए की वैल्यू को बाहर ले आऊँगी और जो डिफ्रेंशिएट करूँगी ये बी के साथ करूँगी, यानी कि बी में चेंजेस करूँगी। तो ये थोड़ा सा ईएमएफ का मेरा जो इक्वेशन है ये थोड़ी ऐसे चेंज हो जाएगी, ईएमएफ इक्वल्स टू एन इंटू ए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का बी का किसके साथ, टी टाइम के साथ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करूँगी, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स मुझे यहाँ पे कितने गिवन है, ये गिवन है 200 टर्न्स, तो मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे ए यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कितना गिवन है, ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिखूँगी, यानी कि 100 इंटू 10 की पावर माइनस फोर लिखूंगी। यहाँ पे 10 की पावर माइनस फोर लिखूंगी। क्यों लिखा है मैंने माइनस फोर, ये तो जो मैं अभी इससे पहले मैं जब चेंजेस कर रही थी सेंटीमीटर को मीटर में, तब मैं क्या कर रही थी, ओनली 10 की पावर माइनस टू लिख रही थी। यहाँ पे मैंने 10 की पावर माइनस फोर क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं एरिया में चेंज मतलब एरिया में चेंज कर रही हूँ, यानी कि स्क्वायर जो यहाँ पे सेंटीमीटर है इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पे इसलिए मैंने माइनस फोर लिखा है, यानी कि 10 की पावर माइनस टू का स्क्वायर। तो इस तरह से देख सकते हैं, तो ये 10 की पावर माइनस फोर हो गया आपका। नेक्स्ट डी बी यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहा है, ये कितना गिवन है आपको, 10 टी यहाँ पे गिवन है 10 टेस्ला, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ 10 टेस्ला डिवाइड में यहाँ पे डी टी कितने सेकंड में हो रहा है, 1 सेकंड में हो रहा है, तो अपॉन में 1 आ जाएगा आपका। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे आप इजीली तो आपके पास ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका वैल्यू आ जाएगी, या आएगी आपके पास कैलकुलेट होकर 20 वोल्टेज। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे आपके पास 20 वोल्टेज इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 है आपको दिख रहा है यहाँ पे 20, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, ये वही फॉर्मूला है जो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था। ईएमएफ आपको क्या होता है, ये होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिया, यानी कि एन डी फाइव बाई डी टी लिखा है। फाइव की वैल्यू रखी है, उसमें जो कोफिशियंट मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू थी उनको बाहर लिया, और जो डी बी है यानी कि चेंजेस है, जैसे यहाँ पे बोला गया 10 टेस्ला में जिसका मैग्नेटिक फील्ड है वो 10 टेस्ला, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, उसकी वैल्यू रखी है कितने सेकंड पे है, 1 सेकंड पे है, तो वो वैल्यू वहाँ पे रख दी है। और ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इजी क्वेश्चन था, आई होप सो आप सबको भी क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी के जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप पहली बार विजिट करें डियर फ्रेंड्स पे तो डियर फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, उससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।